मेरे स्टूडेंट्स, वो लक्ष्य मैं भूला नहीं हूं कि अब की बार 70 में रहे यार, और दिलवाएंगे मेहनत करके। भाई मेहनत करेंगे, जब पिछले बार 69 नंबर आया था ना मेरे स्टूडेंट्स का, तो लगा था कि फिजिक्स में 70 में 70 आ जाता, तो इस साल बच्चों के लिए मेहनत करेंगे और दिलवाएंगे। नहीं आया, अगले साल फिर मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 1 वीडियो है। महेश मनी सर, पटना खेमनीचक से, टॉपर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। अच्छा, इससे पहले एक जरूरी बात कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स के नाम से ज्वाइन होइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये सबको आपको कॉपी में लिखते चलना है, क्योंकि हर एक चैप्टर का ये सीरीज आएगा ना 70 मेरे यार, और लाएंगे 70 आएगा ना बच्चों, एकदम प्रॉमिस करिए कमेंट बॉक्स में कि लाएंगे ना, मेहनत मैं करवाऊंगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन को लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और प्ले स्टोर से नया वाला एमिंग हाई आप इंस्टॉल करना, जिसमें न्यू का लोगो लगा हुआ है वो वाला। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेटस में लगाइएगा, शेयर करिएगा, कितना लाइक और कितना व्यू आता है ये आप लोगों के प्यार पे डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत आवेश यानी स्टैटिक रुका हुआ चार्ज क्या डेवलप करता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिए कि जब कोई चार्ज रुका हुआ रहता है ना, तो वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन वही चार्ज अगर एक समान वेग से, क्योंकि देखिए मैं प्रश्न दिया हूं कि रुका हुआ चार्ज क्या उत्पन्न करता है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि जब कोई आवेश एक समान वेग से चलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, तो उस समय वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि मतलब ये हुआ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय उत्पन्न करेगा रुका हुआ समय, लेकिन इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। वही कोई चार्ज में अगर एक्सीलरेशन हो, त्वरण हो, यह पूछा जा चुका है पहले ये वाला, तब वो मेरे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्वेश्चन से तीन चीज याद रखेंगे, ऐसे ही करके मैं पढ़ाते जाऊंगा। रुका हुआ चार्ज सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, एक समान वेग से चलेगा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, वही चार्ज में अगर त्वरण हो, एक्सीलरेशन हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। खैर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रुका हुआ चार्ज क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा देखिए, अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए वो क्या होगा। देखिए साबुन के बुलबुले को चाहे आप प्लस आवेश करें, बच्चों प्लस आवेश करेंगे, इससे क्या होगा, ये वाला प्लस इस प्लस को धक्का देगा यानी विकर्षण करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इस वजह से उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। माइनस आवेशित करेंगे तो भी सेम चीज, इधर वाला माइनस इधर वाले माइनस को धक्का देगा, इधर जो माइनस होगा वो इधर वाले माइनस को धक्का देगा, और त्रिज्या उसका बढ़ती है। तो दो का सही आंसर भी हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। भैया किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उससे छोटा। देखिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, लिख भी लीजिएगा कॉपी में हो सके तो बच्चों, ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उससे छोटा मात्रा नहीं हो सकता है। आप लोगों ने आवेश का क्वांटाइजेशन यानी क्वांटमीकरण पढ़ा है ना, q इक्वल टू एनी, इसमें कहा जाता है कि सबसे छोटा आवेश e इलेक्ट्रॉन का ही आवेश होगा, और वही आवेश संभव होगा जिसके लिए n यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इसके कारण वाला ही आवेश संभव होगा। पढ़े होंगे कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए वही क्वेश्चन में आ गया हमारे बबुआ, कह रहा है किसी पिंड पर यानी किसी बॉडी में जो q इक्वल टू एनी है, तो यहां n का मान हो सकता है, n का मान क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 यही सब हो सकता है ना बच्चों, देख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब ऐसे प्लस वन प्लस माइनस वन ये भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, दोनों में से, क्योंकि जब वस्तु आवेश को ग्रहण करता है तो माइनस वन, लेकिन ये उतना सही नहीं है, ज्यादा सही बोलना ए होगा, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों को पता है ना, पढ़े ना q इक्वल टू एनी में आवेश के क्वांटमीकरण में कि n की वैल्यू 1, 2, 3 पूर्णांक रहेगा। जैसे कोई आवेश अगर 3.5 इलेक्ट्रॉन के कारण आ गया तो वो आवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि 3.5 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 इंटीजर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहां पे करण निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए q इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिए। q इक्वल टू एनी में आप लोग जानते हो कि n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक में होती है, तो q इक्वल टू एनी से n निकाल लीजिए, n बराबर q बाई e, q दिया हुआ है 4, e का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ सबको पता ही है, और वहां से n निकालिए दोनों का मान रख के, q और e का मान। अगर n का मान 1, 2, 3, 4 इंटीजर में आता है, पूर्णांक में आता है, तो वो संभव है, पूर्णांक में नहीं आएगा तो संभव नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि इसका सही आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा सी,
अगर C के लिए N निकालेंगे तो पूर्णांक में नहीं आएगा। देखिए ना क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो चार्ज तो वही पॉसिबल नहीं होता है ना जो कि ढाई साढ़े तीन पौने चार 3.8 ऐसे इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव है। देखिए N निकालेंगे क्यू वाई, क्यू दे दिया कितना 2.4 × 10⁻¹⁹ मेरे बच्चों, ए की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ यहां से कट जाएगा, ये दोनों निकालेंगे तब पूर्णांक में नहीं दशमलव में आएगा। तभी तीनों क्वेश्चन जो लगातार करवाया था वो सेम है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है डाटा बदल के एग्जाम में आ जाए, आपका कुछ अलग दिया रहे और पूछे कि कौन सा आवेश संभव है कौन संभव नहीं है, तो निकाल लीजिएगा। एन की वैल्यू अगर पूर्णांक में आ रही है तो वो आवेश संभव है, दशमलव में आ रही तो वो आवेश संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश उत्पन्न होने के लिए निकाला गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान बोल रहा है किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर से एन पूछ रहा है। सब क्वेश्चन एक के जैसा, क्यू इक्वल टू एन ही, तो एन बराबर निकाल लीजिए, एन की वैल्यू क्यू वाई होती है, क्यू दे दिया एक कूलम्ब और ई की वैल्यू तो सबको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻¹⁸। तो याद रखिएगा एक कूलम्ब चार्ज होने के लिए 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न 6 के बाद 7 नंबर देखिए, यहां 7 में क्या बोल रहा है, 7 पढ़िए, करा नियम का कथन है, कोई नियम का कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो बल होता है ये दो आवेश यानी Q1 × Q2 का समानुपाती, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यानी आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताइए इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं जी, धक 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 कूलम्ब का नियम। क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला नियम तो यही होता है ना कि दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा Q1 Q2 का समानुपाती, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा ये नहीं ना भूल रहे हैं कि यहां अगर हम बराबर का चिन्ह देते हैं तो कांस्टेंट के आता है और के का मान होता है 1/4πε0, याद करिए यहां से Q1 Q2 / r2 फार्मूला भी याद रखिएगा, इसका मान टोटल होता है 9 × 10⁻¹, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं कूलम्ब का नियम, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें ना इस क्लास में आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो बच्चे जवाब देंगे उनका कम्युनिटी टैब में मैं नाम डालूंगा। अगला कह रहा कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल कैसा है, केंद्रीय बल विद्युतीय बल दोनों नन ऑफ दीज, दोनों न है जी। एक तो देखिए कूलम्ब बल विद्युतीय बल तो है, जो अभी कूलम्ब बल पढ़े हम लोग, अभी ये वाला दो आवेश के बीच जो बल पढ़े यही तो कूलम्ब बल होता है। तो आपको बताना है बच्चों कि कूलम्ब बल क्या है, तो देखिए केंद्रीय विद्युतीय बल तो है क्योंकि आवेश के बीच बल लगता है और आवेशों को मिलाने वाला केंद्र की ओर लगता है इसलिए केंद्रीय बल भी है। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओके। 8 का 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां बताइए यहां पर, करा आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। दो इलेक्ट्रॉन अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो उसके बीच जो बल लगेगा वो किसके समानुपाती होगा, हो भगवान ये तो अभी हम लोग पढ़े ना, कितना आसान चीज। देखिए तो अगर कोई भी दो आवेश आर दूरी पर रखा हुआ है तो बल को या तो बोलिए आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यही ना होता दो आवेश के बीच बल, क्वेश्चन में भले ही इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन बल का तो फॉर्मूला ही होता है ना, मेरे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 r2, तो या तो r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती बोलिए, ये इसी को ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2, और ये नीचे में जो r स्क्वायर है ऊपर जाके बन जाएगा r⁻²। तो इसका सही आंसर r⁻², गलती मत करिएगा इस क्वेश्चन में, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे ये मार देंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ध्यान से देखिए समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है दो चार्ज के बीच फोर्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे ही बोला समानुपाती बोला बच्चों, तो ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो नीचे में जो आर स्क्वायर आया है ऊपर जाके r⁻², नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर हमारा डी होगा। हाँ वही अगर इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती बोलता तब हम पक्का ये बोलते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए कूलम्ब के नियम से। अगर कोई भी दो आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखा हुआ है तो इसके भी जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, K Q1 Q2 / r2। अब साफ साफ कह रहा है कि इसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, यानी चार्ज तो Q1 Q2 है लेकिन डिस्टेंस हमारा r/2 कर दिया गया है,
तो अब फोर्स निकालेंगे तो के क्यू वन क्यू टू और नीचे में आर बाई टू का स्क्वायर, ये देखिए तो ये r बाई टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बाई फोर ना के क्यू वन क्यू टू और नीचे में r स्क्वायर बाई फोर और ये फोर हमारा ऊपर चल जाएगा, यानी बल हमारा चार गुना हो जाएगा। देख लिए, सब सब कहा जा रहा है कि दो अब इसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, तो दूरी आधी कर देंगे तो r के जगह पर दूरी हमारा r बाई टू होगा और जैसे ही दूरी r बाई टू हुआ तो नीचे में r स्क्वायर वाला 4 4 ऊपर चल जाएगा और वहां से साफ साफ पता चल जाएगा कि बल हमारा चार गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला 10 के बाद 11 नंबर देखिए। 1 कूलम वह आवेश है, 1 कूलम भी चार्ज, जो शून्य में, शून्य मतलब वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है, 1 मीटर की दूरी स्थित आवेश पर बल लगाता है, ठीक है, कह रहा कि 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर समान आवेश, सेम चार्ज, यानी 1 कूलम पे 1 कूलम वह आवेश है जो 1 कूलम पे 1 मीटर पे बल लगाता है, कितना बल लगाएगा निकाल लीजिए, बल का फॉर्मूला तो पढ़ेगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर मेरे भैया, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ मेरे भैया, क्यू वन की वैल्यू 1, क्यू टू की वैल्यू 1, बीच का दूरी हो जाएगा ये 1, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आ जाएगा, 1 न्यूटन मत बोलिएगा, ये होगा इसका आंसर। 1 कूलम वह आवेश है जो 1 कूलम पे 1 मीटर पे बल लगाएगा, तो 9 × 10⁹ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 11 के बाद 12 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अगर 2 कूलम और 6 कूलम के आवेश को, दो आवेश को एक दूसरे से को 12 न्यूटन का बल लगा रहा है, बाजी वाह, देखिए 2 कूलम और उसके बाद 6 कूलम का दो आवेश है एक दूसरे पे 12 न्यूटन का बल लगा रहा है, करा अगर दोनों को -2 कूलम आवेश दिया जाए, देख लीजिए इफ -2 कूलम चार्ज इज गिवन टू ईच अदर, दोनों को दे दे तो फोर्स कितना होगा, देखिए तो अगर -2 दे देंगे इसको भी और इसको भी, तो चलिए इसका तो समझ में आता है कि 6 को -2 देंगे तो 4 कूलम बचेगा नहीं, लेकिन 2 कूलम को -2 दे देंगे तो 0 कूलम ना होगा, 2 - 2 मिलके जी, तो एक आवेश 0 हो गया तो बल भी तो 0 होगा, अगर बल निकालेंगे के q1 की वैल्यू हो गई 0, q2 की वैल्यू 4, अब y r स्क्वायर तो सॉल्व करके 0 ना हो जाएगा ये, तो हमारा बल हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 12 के बाद 13 नंबर, प्रवैधुतता का एसआई मात्रक होता है, अच्छा चलिए प्रवैधुतता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, देखिए बल का तो फॉर्मूला आप लोगों ने कूलॉम के नियम से जान लिया, यही ना 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 / r स्क्वायर जो अभी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है मेरे बच्चों, तो बल का तो मात्रक होता है न्यूटन, 1/4 पाई तो एक संख्या इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मात्रक नहीं, एप्सिलॉन यानी प्रवैधुतता का मात्रक निकालना है, 4 पाई संख्या का कोई मात्रक नहीं, ऊपर में q1 ऊपर भी q2 तो q1 q2 हो गया कूलॉम स्क्वायर और नीचे में डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर, तो यहां से एप्सिलॉन का अगर मात्रक निकालेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर, नीचे में न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर यानी कूलॉम स्क्वायर, ऊपर में पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। बस मैं प्रोसेस इसीलिए निकाला क्योंकि अगर कोई बच्चे रट के पढ़ रहे हैं ना तो उनके दिमाग में थोड़ी सी ये बातें प्रोसेस कर जाए। आप निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन को छोड़ के बाकी सब का मात्रक का मान रख दीजिए और वहां से एप्सिलॉन का निकाल लीजिए, तो आ गया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर, मुक्त आकाश की प्रवैधुतता होती है, तो देखिए मुक्त आकाश का मात्रक तो अभी देख लिए कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मान होता है 8.85 × 10⁻¹2 एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹2 मात्रक तो अभी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर, एक क्वेश्चन अभी आपसे मैं पूछूंगा, बताना है आपको कि उसका आंसर क्या होगा। 15 में कह रहा है किसी माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतता एप्सिलॉन आर बराबर होता है, एप्सिलॉन आर किसके बराबर होगा, तो देखिए एप्सिलॉन आर किसी भी माध्यम का होगा प्रवैधुतता बटा वायु का प्रवैधुतता, ये याद रखिएगा ये चीज, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलिए तेल का अपेक्षिक प्रवैधुतता निकालना ना एप्सिलॉन आर, तो वो हो जाएगा तेल का प्रवैधुतता बाय वायु का प्रवैधुतता, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको यानी कि तेल का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो तेल का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय तेल का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, देख लीजिए, तो याद रखिएगा ये बात कि किसी माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधुतता निकालना है तो उस माध्यम का प्रवैधुतता डिवाइडेड बाय वायु का प्रवैधुतता, ठीक है। 15 के बाद 16 नंबर देख लीजिए, कह रहा है किसी बिंदु आवेश क्यू से, अगर कोई बिंदु आवेश क्यू है
तो इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितने का होता है ये बताइएगा, ठीक है। किसी बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितने का होता है, तो किसी भी बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र r दूरी पर k q by r स्क्वायर होता है, जहां k की वैल्यू वही ओबन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, q बाई आर स्क्वायर ये होता है। अब आज का प्रश्न है जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि ऑप्शन सेम है, ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट चार से आठ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ये होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये। आपको बताना है कि सेम पॉइंट चार्ज क्यू से बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इन चारों में क्या होता है, एबीसीडी, इसी में कोई ना कोई है एक आंसर, वो कमेंट बॉक्स में खटाखट बता देना है। जो बच्चे बताएंगे अगले क्लास में उनका नाम कम्युनिटी टैब में आएगा, कल डाल दूंगा शाम तक कम्युनिटी टैब में, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा भाई। बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का मान क्या होता है। अगला अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, देखिए अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है पहले ये समझिए कि जैसे कोई आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर रुके हुए आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं स्थिर विद्युतीय क्षेत्र। तो अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी नेचर का होता है, तो 17 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ए हो जाएगा, संरक्षी नेचर का, कंजर्वेटिव इंग्लिश में बोले तो कंजर्वेटिव नेचर का, देख लीजिए कंजर्वेटिव। 17 के बाद 18 नंबर में निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज, उसके बाद धारिता, विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय धारा यानी चार्ज कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है, ओके, दिशा होता है। इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को लिख के कॉपी में मुझे भेजना है, व्हाट्सएप पे मैं चेक करूंगा बच्चों, क्योंकि देखिए ये पहला क्लास है ना, कई सारे बच्चे इस पहले क्लास में जुनून के साथ आएंगे, जुनून से क्लास करेंगे, लेकिन एग्जाम में टॉपर वही बनेंगे जो कि लास्ट तक क्लास करेंगे। पहला क्लास में ना क्लास करने का जुनून सब में होता है, टॉपर ही होता है ना वो जो अंतिम तक पढ़ता है। चलिए 19 में पढ़िए, इसमें कौन विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है, तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, ठीक है। तो E इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा होगा F बाई क्यू, तो F होता है फोर्स, बल, बल का न्यूटन, नीचे में होता है Q चार्ज, कूलॉम, चार्ज यानी आवेश, आवेश का कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम, देख लीजिए इसका सही मात्रक होगा न्यूटन पर कूलॉम। एक और होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, वोल्ट पर मीटर, दोनों एक ही चीज है याद रखिएगा, या तो न्यूटन पर कूलॉम बोलिए, ये कूलॉम ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर, जो मर्जी है वो बोलिए, ठीक है। चलिए 19 के बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है, कौन है जो विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है, बताइए सोचकर। देखिए देखिए विद्युत रेखाएं लगातार वक्र होता है, ये बिल्कुल सही है, विद्युत रेखाएं लगातार वक्र होती है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं ना कि यहां से जाके टूट जाएगा फिर ऐसे होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल लगातार यहां से होगा। दूसरा, दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और वह एक लूप बनाते हैं, नहीं भैया लूप नहीं बनाता विद्युत बल रेखा कभी भी, वो प्लस से स्टार्ट होता है माइनस पे जाके यहां से खत्म हो जाता है, लूप नहीं बनाता, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, धनात्मक से निकलता है ऋण पे खत्म होता है, ये भी सही है, देख लीजिए, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्लोज लूप बनाता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो हमेशा लूप बनाता है, ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इस जो पार्ट वन, ये पार्ट वन है ना चैप्टर वन का, पार्ट टू जो होगा मेरे बच्चों उसमें भी 20 क्वेश्चन होगा, चैप्टर वन में लगभग टोटल 40 क्वेश्चन लाया हूं अभी, हर एक चैप्टर का दो पार्ट ऑब्जेक्टिव का होगा, ये पार्ट वन है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नया वाला एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, इस लिंक को बेटा जी डालिएगा स्टेटस में शेयर करने के लिए, अपना स्टेटस में बस लगा दीजिएगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा उसी से मेरे बच्चों। सारे क्वेश्चन को लिख करके जो व्हाट्सएप नंबर होता है उसमें शेयर करिएगा, पढ़ते रहिए, कमेंट करके वो क्वेश्चन वहां के आंसर वा जरूर बताइए बउआ, वेट करम हम अब की बार 70 मेरे यार, इंतजार करूंगा। शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते कम से कम। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, दिल लगा के पढ़ते रहिए।